हरे कृष्णा, मैं हरादास बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा मंदिर से छू, हरे कृष्ण राम मंदिर से, मेरा नाम हरादास। और वास्तविक आजकल गुरु कैसे और गुरु कैसे होना चाहिए, इसलिए कहा गया गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। गुरु बिना हो कि ज्ञान, ज्ञान के हुई बिना कभी नो, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कुछ व्यक्ति, गुरु जरूरी है। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं बहुत अनेक व्यक्ति गुरु बन गए। गुरु का योग्यता क्या है? गुरु बनने के लिए पात्रता क्या होना चाहिए? कल दाढ़ी मूछ रखने से, चुट्टी रखने से, बड़ा बड़ा नखून रखने से, सिद्धि दिखाने से गुरु है? हम देख सकते हैं आज अनेक व्यक्ति, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, शास्त्र में अनेक अनेक व्यक्ति जगह में देखे होंगे, तो गुरु लोग जेल में गए, गुरु लोग गलती कार्य करते हैं, गुरु लोग अपना अपना पैसा कमा के रखते हैं, लेकिन गुरु नहीं। गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ है भारी। गुरु का मतलब जो बोझा को उठा सकता है। बोझा क्या है? शिष्य का बोझा को उठाने वाले, शिष्य को बोझा को जो उठा के खत्म कर सकता है वो गुरु है। शिष्य का बोझा क्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चार प्रकार का दोष है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये कष्ट से जो बचा सकता है वही गुरु हो सकता है। गुरु बनने के लिए कहा गया किवा मित्र किवा नासी शूद्र कने न यो, जय कृष्ण तत्व वेदा से गुरु हो, जो कृष्ण तत्व में पारंगम है। किवा विप्र ब्राह्मण हो सकता है, किवा न्यासी सन्यासी हो सकता है, या शूद्र भी हो सकता है, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है यदि कृष्ण तत्व में पारंगम है। यदि कृष्ण को गुरु, कृष्ण को मानता है, शास्त्र को मानता है, वो गुरु बन सकता है। ये नहीं कृष्ण को मानता नहीं, गुरु मेरे कृष्ण है, लेकिन वो गुरु भी बोलते ठीक है मैं ही कृष्ण बन के बैठे, लेकिन एक दिन गुरु का घंटी बज जाता है, गुरु जाते जेल में गड़बड़ करके, गुरु जाते, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु कैसे होते? कि ब्राह्मण हो सकते, क्षेत्रीय हो सकते, कोई भी, लेकिन कृष्ण तत्व में पारंगम होना चाहिए। और एक श्लोक सत्र बताया गया, बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतन बेगम विशेष धीर सर्वम अपिनम पृथ्वींश शिष्यत, जो व्यक्ति छह वेग को कंट्रोल कर सकता है वो गुरु बन सकता है। बाचो वेग मतलब बोलने का वेग, बोलने का वेग क्या मौनी बोलना है? नहीं, बोलने का वेग मतलब हमेशा कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के लिए कार्य करना, बाचो वेग। मनसा मौन का वेग, हर एक व्यक्ति मौन में क्या क्या चिंता करते हैं, गुरु का कर्तव्य क्या, उसका मन किस में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। बाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, गुरु को क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रोध होना चाहिए क्यों? जब कोई भी कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते, जिस पर हनुमान जी परम वैष्णव है, परम गुरु है, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट किया किसके ऊपर? कि देखा रावण ने सीता मैया को चोरी के लेके जा रहे, इसलिए क्रोध किया। जिस पर हम देख सकते अर्जुन ने भी गुस्सा किया, अर्जुन एक महान भक्त है, भक्त गुस्सा को भी लोग बोलते हैं साधु लोग है, तुम लोग गुस्सा क्या आता है? नहीं, हम लोग बैठे, आप भगवान कसम आप बैठो, आपका घर से कोई संपत्ति ले जाएगा चुपचाप बैठो, ऐसे तो नहीं। उसी पर सारा संसार कृष्ण का है, इस सर्वस्व इदम सर्वम, सारा जगत कृष्ण का है, और कृष्ण के संपत्ति को व्यक्ति यूज करेंगे, अब ठीक है और जाने दो, तो मतलब फिर नहीं। कृष्ण के संपत्ति को रक्षा करना गुरु का पहला कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया हनुमान जी एक परम वैष्णव, लेकिन उसने गुस्सा क्यों किया? कि सीता माता को चोरी कर ले रहा था। उसी प्रकार हम देख सकते हैं अर्जुन ने भी गुस्सा किया, क्यों अर्जुन गुस्सा किया? अर्जुन को क्रोध कर, भगवान कृष्ण ने क्रोध को उचकाया, क्रोध कर गुस्सा कर, क्यों गुस्सा कर? क्यों देखे कि अधर्म के प्रति युद्ध करना चाहिए। इसलिए कहा गया क्रोध वेगम, क्रोध कंट्रोल करना मतलब जो कृष्ण के विदेश करता है, कृष्ण से विदेश कर द्वेष करता है, उसके ऊपर हम लोग का कृष्ण के भक्त को आक्रमण करता है, उस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कहा गया बाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम मतलब जो जिह्वा के वेग से कंट्रोल करोगे, भगवान को प्रसाद खाओ, भगवान घर में बोलो, उधर वेग जो पेट के वेग को भूख भी भूख को सहन करने शक्ति होना चाहिए, उधर उपस्थ वेगम जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय अगर संतान संतति उत्पन्न करना है दम है तो निकालो, जन्म दो लेकिन उसको भक्त बनाओ, ए नहीं दस दस एक दर्जन बच्चा पैदा करेंगे, कोई बीड़ी फूकता है, कोई गांजा फूकता है, कोई चमार 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 के जोधा से करता है, बीड़ी फूक के करते, ऐसे फायदा नहीं, ये तो कुत्ते भी मिली के फायदा करते, ऐसे कुत्ते मिली के समान है। ये छह वे को जो कंट्रोल कर सकता है गुरु बन सकता है। इसलिए हम देख सकते हैं हमारे संस्था में हम उचित गुरु कैसे, उचित गुरु कैसे, जो कृष्ण को जानता है, कि जो वैष्णव, जो वैष्णव बन गया गुरु है, वैष्णव कैसे जो विष्णु की भजन करता है
वो गुरु है। लेकिन गुरु मतलब नहीं कि डाली रख दिया, मूछ रख दिया, बहुत बड़ा साधु बन गया, अनेक बड़ा मोटा मंदिर दिया, बस गुरु बन गया। मैं पायल से मधु निकलता है, ऐसे भी कुछ लोग निकले आजकल संसार में, बोलते हैं हमारा गुरु का चरण कमल से मधु निकलता है। और एक बाबा थे जो कि बोलते थे हमारा बाबा हाथ से ये निकालते हैं, भस्म निकालते हैं, हमारा बाबा हाथ से ये निकालते हैं, तो बाबा गाय घटे में बाबा कहाँ गए वो कहाँ गए। इसलिए वो दो दिन का नाटक लोभी गुरु लालची चला नाके में ठलम पेरा, ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए। गुरु करना जान करके पानी पीना छान कर, जैसे पानी पीते हैं छान करके पानी पिएंगे नहीं तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। उसी प्रकार आँख बंद करके गुरु स्वीकार करना नहीं चाहिए, आप गुरु को देखना चाहिए। गुरु को हम स्वीकार करेंगे तो गुरु स्वीकार करने के पहले व्यक्ति को शिष्य को उचित शिष्य होना चाहिए। अगर उचित शिष्य बनेगा वो व्यक्ति तो गुरु अच्छा अच्छा गुरु मिलेगा। इसलिए आज संस्था में देख सकते ऑल वर्ल्ड में आज इस्कॉन संस्था में अनेक गुरु है, अनेक वैष्णव प्रचार करते हैं, असली गुरु है, क्योंकि वो परंपरा को फॉलो करते एवं परंपरा प्राप्तम, वो जो परंपरा आए हुए जो शास्त्र को मानता है उसको गुरु मानना चाहिए। मेरे मन से मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे हो सकता है, मेरे को ऐसे हो सकता है, तुम्हारे मन से मेरा मन से नहीं होता है। जो कृष्ण का आदेश है, जो वेद का मत है, उसको जो स्वीकार करता है वो गुरु बन सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं गुरु तो कर दिए हैं, लेकिन गुरु देखे गुरु जी बोलते ठीक है तुमको पांच मंदिर तो कौन सा पसंद है, ऐसे थोड़ी गुरु है। गुरु शिष्य मतलब गुरु देखेगा शिष्य को ये मंत्र देना चाहिए। तो आजकल ऐसे गुरु लोग बोलते कौन सा मंत्र चाहिए, गणेश नारायणी रुद्र अंबिके भास्कर पांच देवता का नाम दे देता है जो आपको पसंद है, उस दा मेरे को लक्ष्मी चाहिए। हाँ गुरु महाराज बोला लक्ष्मी, हाँ ठीक है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मंत्र जब करो इसी जब करता है। दूसरा महाराज गुरु महाराज मेरे को विद्या का सरस्वती मंत्र दो, ऐसे नहीं। आप देख सकते हो सारे चीज मंत्र किसमें है, भगवान के नाम में। तो यदि भगवान की भक्ति करेगा पूरा पांच चीजें भगवान खंडर में, इसलिए हमको अच्छा गुरु करना है तो अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। अच्छा शिष्य बनने के लिए अच्छा योग्यता प्राप्ति करना पड़ेगा, अच्छा योग्यता प्राप्ति करने के लिए अच्छा संगति करना पड़ेगा, अच्छा संगति करने के लिए आपको चॉइस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे साधु संघ होता है। आप इस्कॉन संस्था में आइए, दर्शन कीजिए, भगवान राधाचार्य को दर्शन कीजिए, साधु को संगति कीजिए, भगवत गीता यादितिस यथारूप गीता पढ़िए, यादितिस जो यथारूप गीता उसको पढ़िए। गीता पढ़ के अब देखिए पता चलेगा गुरु क्या है, नहीं तो गीता नहीं पढ़ेंगे। इन्हें मेरे गुरु जी गीता लिखी आसाराम गीता, अमुक गीता, अभी मेरे ये गीता आशा गीता, क्या आशा गीता ऐसी गीता 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 सुगीता कर्तव्य के मने शास्त्र विस्तरी भगवान का मुखारविंद से जो आया है बहुत गीता है। नहीं मेरे गुरु गीता लिखे, गुरु गीता ये कौन सा गुरु गीता, गुरु कहां से आ गए। जो व्यक्ति सस्ता चाहिए उसको समझाते, एक छोटा सा एकदम उदाहरण देता हूँ फिर बंद करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट में हीरा का मार्केट, हीरा का मार्केट में बहुत बड़ा व्यापारी है, नीचे एक छोटा सा दुकान है जो कि फुटपाथ में, और जो हीरे के सामान दूसरा जो ज्वेलरी का दुकान है जो फुटपाथ में बेचते हैं, चांदी के सामान दिखता है लेकिन चांदी नहीं, लग ऊपर से ये करते हैं कलर कर देते हैं। तो एक व्यक्ति बोला हीरा के इतना रुपये का ना, ठीक है वो दुकान दिन भर बैठा है, एक व्यक्ति ग्राहक जाता है, जो एक ग्राहक जाता है वो भी एक लाख एक करोड़ का सामान लेता है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखते हैं वही बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है, वहाँ पे मेरे को ये दो 50 रुपये का वो दो, 20 रुपये का वो दो, 30 रुपये का वो दो, 100 रुपये का दो, सवेरे से लेकर 12 बजे तक भीड़ है। लेकिन कमाई कितना किया, 500 हजार 2 हजार कमाया होगा। लेकिन वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैठा है, उसके एक दिन भर में एक ही ग्राहक आया, हीरा का व्यापार आया, जो बहुत हैवी पार्टी है वही हीरा लेगा ना, बाकी लोग ले नहीं सकते। उसी प्रकार हरिनाम हीरे के समान है, भक्ति हीरे के समान है। जो व्यक्ति उचित व्यक्ति है उसको ये हीरा मिलेगा, जो व्यक्ति नकली व्यक्ति चाहता है उसके ज्वेलरी के समान मिलेगा। इसलिए अच्छा गुरु करना है तो नकली फंसिए मत, आइए इसका सूत्र आइए, साधु संगत कीजिए, यथारूप भगवद गीता पढ़िए, चैतन्य चरितमृत पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वैष्णव संगत करिए, आपको पता चल जाएगा, खुद को पता चल जाएगा गुरु क्या। जिसी प्रकार मैं मेरे एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैंने इसका आने से पहले 7-8 जगह पे गुरु करने के लिए गया था। पहले वृंदावन गया, वृंदावन जाने के बाद वहाँ पे कुछ दिनों के देखा, अरे वहाँ पे राम जी का भक्त मैं बनता हूँ, देखता हूँ राम के प्रति प्रेम था, देखा तो वहाँ पे साधु लोग
बड़ा बड़ा दाढ़ी रखे, मूछ रखे, गांजा पी रहे, तमक खा रहे और गांजा पी रहे, बोले अरे ऐसे किस गुरु है, वो नहीं चलेगा। और एक जगह पे गए तो वहां पे देखा तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, 7:30 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, वहां पे रुका है 8-9 बजे उठते हैं और व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं और बाद में पूजा पाठ करते, खाली भस्म लगा के गुरु बन के बैठे। और नहीं जगह हुए वहां पर भगवत कथा कर रहा है और रो पड़ रहा है, बोला अरे बहुत अच्छा व्यक्ति जो रो रहा मतलब बहुत अच्छा भक्त है। तो बाद में बता चला कि उसने रुमाल में पिपरमेंट डाल के बैठा है, रुमाल के अंदर पिपरमेंट डाला है और पान खा रहा है और जो बात कर रहा है आग से पानी, आग जो पूछता है तो आग से पानी निकलता है, बोले एक गुरु है। बाद में बता चला ये ढोंगी गुरु है। घूमते 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 3-4 साल घूमने के बाद एक बार आया मैं पूना मंदिर में, देखा तो वहां पे कि ही झूलेश परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज आए थे, आए थे तो मैं उनको दर्शन किया, प्रणाम किया। महाराज ने सिर्फ 20 मिनट लेक्चर दिया, 20 मिनट लेक्चर दिए। 20 मिनट में हम अनेक जगह पे गए थे गुरु करने के लिए, ये गुरु करूंगा, ये गुरु करूंगा, वो गुरु करूंगा, वो गुरु करूंगा। 20 मिनट लेक्चर दिए, मेरे एकदम दिमाग जगह पे बैठ गया, मेरे ब्रेन एकदम ब्रेन के जो गंदगी था विचार नष्ट हो गया, जान लिया कि उचित गुरु है। आज उनकी कृपा से देखो हम भक्ति करें। इसी प्रकार जब अच्छा इच्छा रखोगे तो अच्छा गुरु मिलेगा, नहीं तो अगर आपके हृदय में अच्छा इच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा गुरु मिलेंगे नहीं। इसलिए इच्छा प्रकट करना चाहिए कि भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे को सचोट गुरु प्रदान कीजिए, सचोट जो गुरु आपको भवो सागर से पार करा सकता है, नहीं कि भवो सागर में डुबा देगा। हाँ आइए तुम मेरे मेरे दोनों डूब के गिर जाए, ऐसे गुरु नहीं करने का। अच्छा गुरु करना है तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, मेरे भगवान मेरे को सचोट गुरु दीजिए। इसी प्रकार देख सकते कि नारद मुनि यहाँ पे ध्रुव महाराज को टेस्ट किए, लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या किया, नहीं मेरे को उचित गुरु चाहिए, उचित व्यक्ति चाहिए, परीक्षा करेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज देखे, हाँ नारद मुनि देखे, हाँ ये व्यक्ति मेरे उचित शिष्य, फिर उसको दिखा दिया। उसी प्रकार इस्कॉन संस्था में आज परफेक्ट गुरु मिलते हैं, परफेक्ट हीरा के समान है, और ऐसे गुरु जो कि आपको भव सागर को तरा सकते हैं। भव सागर तरीवर कहा गया, भव सिंधु तरीवर है ढोंगी गुरु से बच जाओगे और अपने जीवन के गंतव्य स्थल जो हम जहाँ चाहे भगवत धाम आए, भगवत धाम भगवान कौन से भवन के पास जाएंगे। गुरु ही गुरु कर्ण धारम, गुरु हमको नदी पार कर भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए भव सागर पार करने के लिए गुरु कृपा जरूर, जिसे रामचंद्र भगवान भी गुरु स्वीकार किए, कृष्ण भगवान भी गुरु स्वीकार किए, चैतन्य महाप्रभु भी गुरु स्वीकार किए, लेकिन लोभी गुरु नहीं, लालची गुरु नहीं, ढोंगी गुरु नहीं, उचित गुरु। उचित गुरु कैसे, जो कृष्ण को अच्छी तरह से जानता है, जो अपने गुरु को मानता है, वो अपने गुरु को मानता है, वो अपने गुरु को मानता है, वो अपने गुरु को मानता है, जो कि परंपरा से सीढ़ी से आता है लाइन बाई लाइन। अब यहाँ पे एक फायदा हो गया, कुछ सिखा दिया, तंत्र मंत्र सिखा दिया, जादू करते सीधे सिखा दिया, मैं गुरु हूँ। बाद में गुरु मर गए तो संस्था डूब गया। आज हमारे संस्था को देखिए, इसका संस्था आज कितना सालों से, ये आज का संस्था नहीं है, ये तो अनादिकाल से, अनादिकाल से। इसका संस्था मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावानुवृत संघ, सब लोग कृष्ण भावना में आ सकते हैं। अब देखिए श्रील प्रभुपाद भगवत धाम गए, उसके बाद प्रभुपाद ने 101 मंदिर बनाए थे, आज प्रभुपाद के शिष्य लोग अनेक मंदिर खड़ा कर दिए, क्योंकि वो अपने परंपरा में। उसी प्रकार आपको सबको स्वागत है, आप आइए, उचित गुरु को स्वीकार कीजिए, गीता पढ़िए, आपका पास भगवत गीता उसको पढ़िए, आप जान पाओगे उचित गुरु क्या है, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।